स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे चाइना मून मिशन के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा MMM क्या है, मैंड मून मिशन। ये है कि एक इंसान को, यानी एक लिविंग जिंदा आदमी को आपको चांद पे उतारना है। ये बड़ा बात इसलिए है कि इंसान, कोई भी इंसान आज तक जो पैदा हुआ है सब धरती पे ही रहे, कोई भी धरती छोड़ के नहीं गया है कहीं, सिवाय कुछ लोग को जो चांद छुए हैं। मतलब स्पेस में बहुत लोग गए हैं, 600 से 700 लोग के आसपास, चांद पे सिर्फ कुछ लोग गए हैं, 50-60 लोग भी ठीक से नहीं गए हैं। तो समझिए, चांद पे जाना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आखिरी बार हम लोग चांद पे जब गए थे वो कोल्ड वॉर के बाद हुआ था। कोल्ड वॉर को आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक वॉर बन रहा था, मतलब एक थोड़ा सा टेंशन बढ़ रहा था और उसे हम लोग कोल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं। और उस लड़ाई को दोनों पार्टी समझ गई कि सही से सुलझाने के लिए एक थर्ड जगह पे लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लड़ने लग जाते हैं तो धरती ही नहीं बचती। तो इनका ये थर्ड जगह आया गया कि स्पेस में रेस लगाओ। तो दोनों लोग स्पेस में दिखाने के लिए किसके पास बड़ा बंदूक है, दोनों स्पेस में दौड़े और USA जीत गया। USA जीता 1969 में, 10 बजे अपोलो 11 में। मतलब बहुत सारे अपोलो मिशन थे लेकिन एक पहला ही दिन में अपोलो को चांद पे नहीं भेजा गया। पहला अपोलो मतलब ऑर्बिट किया, उसके बाद अपोलो से चांद के ऊपर ऑर्बिट किया गया, उसके बाद ड्रेस रिहर्सल किया, उसके बाद अपोलो 11 को उतारा गया। मतलब ऐसा नहीं कि बस आज रॉकेट बनाए कल सीधे भेज दिए चांद पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करते हुए आगे जा रहे थे। दूसरा, अभी तक सिर्फ एक कंट्री, चाहे कितने भी कंट्री के पास स्पेस प्रोग्राम हो, कितने भी कंट्री के पास कितना भी पैसा हो, सिर्फ और सिर्फ एक देश आज तक उतर पाया है चांद पे, जो कि है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो कहना कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है, मतलब पृथ्वी पे 200 से ज़्यादा देश हैं लेकिन सिर्फ एक देश ये कर पाया, तो ये बात को समझना ज़रूरी है कि ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आपके देश के अचीवमेंट के लिस्ट में अगर ये है तो ये काफ़ी बड़ा है। तो ठीक है, हम लोग चांद पे गए तो चांद पे वापस क्यों नहीं गए? कई जगह आप सुनते होंगे चांद मून मिशन फेक है, चांद पे कभी गए नहीं। आप पहले ये समझिए कि चांद पे हम लोग साइंस के लिए नहीं गए थे, एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं गए थे। वहाँ इसलिए गए थे कि लड़ाई हो रही थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका का लड़ाई होता, रशिया का नहीं। बहुत लोग सोवियत यूनियन और रशिया को चेंज करते, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था, मतलब रशिया उसके सामने बच्चा लगे इतना बड़ा था। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका जब दोनों लड़ रहे थे तो दो, मतलब लड़ ऐसा नहीं रहे थे कि मतलब जंग लड़ दिए, गाड़ी छोड़ दिए, टैंक छोड़ दिए, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों बस अपना आर्मी बड़ा किए जा रहे थे कि कौन सबसे बड़ा पावरफुल बनेगा। और वो दिखाने के लिए, मतलब स्पेस रेस में जब लोग कूद गए कि ठीक है ठीक है, ICBM तो दोनों लोग बना लिए, बॉम्बर्स दोनों लोग बना लिए, रेडार स्टेशन दोनों बना लिए, तो अब कहाँ दिखाओ, सबमरीन दोनों लोग बना लिए। आप समझिए सोवियत यूनियन इतना आगे था कि वो एक सबमरीन बनाया था, इतना बड़ा था कि सबमरीन के अंदर उन्होंने खाली जगह बचा हुआ था तो उन्होंने सबमरीन के अंदर स्विमिंग पूल डाल दिया। दुनिया में इकलौता वैसा है। तो आप समझिए कि मतलब ये दोनों दिखा रहे हैं, मतलब अपना पूरा इंडस्ट्रियल लगा, तो कहाँ पे दिखाएं जहाँ सेफ है, तो दोनों बोले कि स्पेस में दिखाते हैं। तो स्पुतनिक जैसे ही स्पेस में गया, USA उसको पीछे फॉलो करते करते गया, USA पीछे चल रहा था लेकिन डायरेक्ट जब चांद पे कूद गया काम खत्म। और सोवियत यूनियन आप बोलोगे तो 1991 में कोलैप्स हुआ है, तो और अमेरिका पर बहुत दिन पहले लैंड किया, जब अमेरिका लैंड किया तो एक दो मिशन जब उसके बाद किया गया तो समझ में आ गया सबको कि भैया अब तुम्हारे दिन खत्म होने लगा, कि जो पैसा आ रहा था, आपको ये समझना पड़ेगा सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिज्म कभी चलता नहीं है क्योंकि वो बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, और बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो आप भूखे मरोगे, ये हुआ सोवियत यूनियन के साथ। तो ये होना शुरू हो गया था जब उतना खर्च करके ये USA को दिखा भी नहीं पाए, मतलब कि USA से आगे भी नहीं निकल पाए, तब इनका मतलब जो बचा खुचा चीज़ था वो थोड़ा डगमगा गया। तो USA को वहीं समझ में आ गया था कि काम खत्म है इनका, अब मतलब 10 साल जिए या 50 साल जिए, अब इनका काम खत्म, तो थ्रेट खत्म हो गया। आपको मैंने बताया 26 दिसंबर को इनका 1991 में काम खत्म। अब उसके बाद ये समझिए कि जो गए ये लोग चांद पे गए, अगर आप बहुत लोग सुनते होंगे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, तो मतलब पहले के पैसे का आज के पैसे में वैल्यू सेम नहीं है, मतलब 50 साल पहले का 100 रुपया और आज का 100 रुपया बराबर नहीं होता है। तो अगर मैं आपको दाम बराबर करके बताऊं तो लगभग $107 बिलियन लगाया गया था 2016 के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो मतलब आप समझिए $110 बिलियन लगा था आज के पैसे के हिसाब से ये मिशन करने में। तो ये दाम को आप समझिए, 100 बिलियन सुन रहे बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है। नासा का पूरा स्पेस शटल प्रोजेक्ट लगभग 10 बिलियन का पड़ा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, पर लॉन्च पड़ रहा था $1.5 बिलियन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो बनाया गया है वो $10 बिलियन का है, लेकिन आप कहोगे कि स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 400 बिलियन का है, बात सही है, लेकिन वो 400 बिलियन एक कंट्री ने नहीं पे किया है, मतलब
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका नहीं सिर्फ बनाया, वो अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ये सब लोग उसमें पैसा डाले, तब जाके वो बन पाया। इतना भारी खर्चा अकेले उठाना बहुत बड़ी बात है, जो कि यूएसए किया था कोल्ड वॉर के दरमियान। और कोल्ड मर गया के बाद ये बन गया कि भैया इतना खर्च करने की जगह ये क्यों नहीं खरीद लेते आईसीबीएम अपना। आईसीबीएम तो सस्ता पड़ता है, मतलब 100 बिलियन डॉलर में, मतलब पर आईसीबीएम अगर खूब मास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप दाम तो उसका घटा सकते हैं, करीब 2-3 बिलियन डॉलर में एक आईसीबीएम रख लीजिए। एक आईसीबीएम एक शहर उड़ा देता है। और एडवांस आईसीबीएम जो आजकल आने लगे हैं, जैसे कि एक आईसीबीएम का नाम बड़ा मस्त नाम है, पीस कीपर नाम है। तो एक आईसीबीएम जैसे आसमान में जाएगा, वो खुल जाएगा और उसमें खूब सारे वॉरहेड छोटे छोटे, वो छोटे छोटे गिरेंगे, तो वो एक जाके करीब करीब 20 शहर को अलग अलग जगह पे, मतलब अगर भारत के ऊपर छोड़ा गया तो समझिए एक एक ही मिसाइल छोड़ेंगे वहाँ से, हम लोग को एक ही दिखेगा, लेकिन जैसे वो हवा स्पेस में जाके खुलेगा, जब उसके वॉरहेड अलग अलग जगह फायर किए जाएंगे, एक दिल्ली में गिरेगा, एक अमृतसर यू नो राजस्थान में गिरेगा, दूसरा मतलब समझिए पाकिस्तान को भी फ्री फंड का उड़ा सकता है, कोई मुंबई में गिरेगा, मतलब एक से, तो समझिए आप क्या मतलब, ये दिखाने का वाला प्रोजेक्ट पे खर्च करने से बढ़िया कि आप एक हथियार बना लीजिए। तो इसलिए आप समझिए पैसा बहुत लगा और कोई रीज़न नहीं था करने का, सिवाय ये कि दिखाने के, मतलब क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, ये मतलब अगर गलती से भी फायर हो गया तो समझ रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो इसलिए दोबारा नहीं गए क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। आप ये सोचिए फिर चाइना क्यों जाना चाहता है, मतलब हर कोई ऐसा है, मतलब अखबार में लिख के आता है चाइना चांद पे जाना चाहता है, मतलब अरे हर कोई जाना चाहता है, इतना तो समझ रखिए आप लोग, इतना तो संयम रखिए कि हर कोई जाना चाहता है। हर कंट्री जो भी है बड़ा हो गया है, जहाँ मतलब बड़ा उम्र के हिसाब से, जैसे इंडिया का उम्र है करीब 70 साल, कहिए आप इंडिया का उम्र है, यूएसए का कहिए 270 साल उम्र है, चाइना का 70 साल है, मतलब ब्रिटेन का 400-500 साल उम्र हो गया, तो मतलब एक उम्र के बाद आप जाना चाहोगे, मतलब कि आप क्या किए ज़िंदगी में, जैसे होता ना कि गाड़ी खरीदे फिर घर खरीदे, ये उसी टाइप का स्टेज है कि एक देश क्या करता है, बड़ा देश है, आप कैसे दिखाओगे कि आपके पास बड़ा देश है, चांद पे जाओ, हर कोई जाना चाहता है। इसलिए अगर आप कहीं ये बात पढ़ रहे हैं कि चाइना जाना चाहता है, अरे हर कोई जाना चाहता है, सवाल है गया कि नहीं या कितना खर्च कर रहा है जाने के लिए। तो अभी इंडिया इसरो, जैसे आप लोगों को पता ही, इसरो भी अभी मैंड मिशन के लिए तैयारी कर रहा है, अभी जाएगा नहीं, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन तैयारी की जा रही, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया जा रहा है, और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये लॉन्च अबोर्ट सिस्टम टेस्ट किया था मैन प्रोजेक्ट के लिए, और रशिया तो रशिया इकलौता था जो लगभग पहुंच गया, लेकिन उनके रॉकेट सक्सेसफुल नहीं रहे, नहीं तो वो पहुंच ही जाता, और यूरोपियन यूनियन भी जाना चाहता है। तो आप ये समझिए, ये आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई सेंसेशनल चीज़ नहीं है कि चाइना जाना चाहता है, अरे हर देश जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, आप जाना चाहते हो, मैं जाना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान में हो तो भी आप जाना चाहोगे, आप भारत में हो तो भी जाना चाहोगे, आप नेपाल में हो तो भी जाना चाहोगे, भूटान में हो तो भी जाना चाहोगे। तो ये कहना कि चाइना जाना चाहता है, वो बस अखबार में लिखने के लिए दिया जाता है। फिर आप ये समझिए कि अगर कोई ऐसा कर लिया, सही में मान लीजिए पहुँच गया, तो वो बहुत सीखेगा इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक में। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये करने के लिए, मतलब चांद पे उतरने के लिए बहुत इंजीनियरिंग लगेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो हमारे पास आ चुका है, वो नासा कर चुका है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट, आप तो जाके अब इंटरनेट पे ही आपको उसके प्लान्स मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी सारी इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जा चुकी है, लेकिन कैसे अब आप करोगे ये बड़ी बात है। इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक के मामले में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा, मतलब नासा को मैं एकदम नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन नासा इतनी बड़ा चैलेंज को हैंडल कर लिया, 50 से 100 कंपनी लगे एक Saturn V बनाने में, कितने हज़ार लोगों को ट्रेन करना पड़ा, फिर पूरा सिस्टम बनाया गया, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा बात है, और ये कर लेना एक अचीवमेंट है। दूसरा, आपको फ़र्क क्या पड़ता है, आदमी ही ना आगे जा रहा है, मतलब अंत में ऐसा थोड़े कि बकरी चला जा रहा है स्पेस में, एंड में तो आदमी ही जा रहा है ना, मतलब आप और मैं ही तो जा रहे हैं ना एंड में। जैसे आप ध्यान देते हो कि आपके मोबाइल फ़ोन में सारा चीज़ तो चाइनीज़ है, या आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है सबके सब में चाइनीज़ है, या आप ध्यान देते हो कि आप जो नमक मसाला खा रहे हो वो इंडिया से है, या कोई मतलब आप मेमोरी चिप खरीद रहे हो तो वो साउथ कोरिया से है, आपको क्या लेना देना, आपको जब तक प्रोडक्ट मिल रहा है तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, चाइना हर कोई जाना चाहता है, अगर चाइना चला गया तो उसके लिए एक इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक वाली बड़ी बात होगी और सबका प्रोग्रेस होगा। तो फिर इसके बारे में इतना डर क्यों है, डर डर क्यों आता है सबको, डर इसलिए आता है कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म वाली बात आ जाती है। यही था सोवियत यूनियन और अमेरिका के दोनों के लड़ने का रीज़न, और कम्युनिज्म का जितना बहुत खतरनाक साबित होगा सबके लिए, हर देश के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए चाइना स्पेस में पहुंच जाता है, चाइना सा मतलब एकदम सबको हिला के रख देता है कि मतलब स्पेस पावर बन जाता है, ऐसा बन जाता है वो एक्चुअली,
तो अगर ऐसा हो जाता है तो कल को भारत की सरकार भी बोल सकती है, देखो हम तुम लोग को वोटिंग राइट तुम्हारा हटा देते हैं और देखो उसके बाद हमारी कितनी तरक्की होगी। चाइना इसीलिए आगे गया क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स में टाइम बर्बाद नहीं हो रहा था। यूएसए का भी गवर्नमेंट बोल सकता है अपने पब्लिक का सीधे यूट्यूब काट देगा, फिर फेसबुक काट देगा, सब चीज़ काट देगा और मतलब आप क्या कर रहे हो हम कंट्रोल करेंगे, उससे देखो कितना तरक्की हो रहा है। तो ये लड़ाई बहुत फंडामेंटल लेवल पर है, मतलब एकदम हमारे आत्मा की लड़ाई है। आप एक तरह से समझ ले कि क्या आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं या कम्युनिज्म को। गरीब लोग कम्युनिज्म इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकते, मतलब कुछ के पास बुद्धि नहीं है, कुछ लोग कुपोषण का शिकार बचपन में हो गए थे तो बुद्धि पूरी तरह से ग्रो नहीं कर सकती और कुछ लोग के पास ऑप्शन अच्छे नहीं मिले। लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि भैया मतलब अमीर लोग जो कमाएं उनका पैसा बांट देंगे। अब ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब भी जो भी देश आज तक किया है वो मर ही गया है एंड में। मतलब आप समझिए सोवियत यूनियन इतनी बड़ी ताकत थी, मतलब जो अगर कोई देश था जो अमेरिका को वापस बैठा देता बेटा बैठ जाओ, वो सिर्फ सोवियत यूनियन था, रशिया आधा भी नहीं है। तो आप ये समझिए उतनी बड़ी ताकत, उतनी बड़ी सैन्य शक्ति का क्या हुआ, खत्म हो गया। क्यों? गरीब लोग, अब अमीर लोग तो या तो मार दिए गए या तो भाग गए, तो और उसके बाद नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स नहीं भरेगा तो क्या करोगे, भूखे मारा 30 मिलियन लोग को भूखे मरना पड़ा इसके चलते। मतलब लोग हिटलर को बोलते हैं, हिटलर तो सिर्फ 5 मिलियन को मारा, ये तो मतलब सोवियत यूनियन में 30 मिलियन लोग का स्वाहा किया गया था, 30 मिलियन। वेनेजुएला में ये हाल में हुआ, लोग मतलब लिटरली एक पॉलिटिशियन इलेक्ट करके चढ़ा कि मैं आपको अमीर लोग का पैसा लेके बांट दूंगा गरीब में, लोग उसको इलेक्ट किए, अमीर लोग लड़ा कि भाई ये नहीं है, ये मेरा कमाया हुआ पैसा, ये तुम नहीं ले सकते। तो बोला नहीं नहीं तुम मतलब दूसरों का शोषण करके निकाल रहे हो, ठीक है। अमीर लोग या तो भाग गए, उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया गया, ठीक है, सब तेल उल का ले लिया और अभी भूखे मर रहे हैं। क्योंकि आपसे कोई भी शोषण करता है तो आपको कुछ देता है, मतलब गुलाम नहीं बनाया जा रहा है आपको। जैसे मैं किसी भी कंपनी में काम करता हूँ तो वो मुझे पे करती है, आपको नहीं पसंद है आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन वो आपको कुछ तो दे रहा है और वो अगर हट गया तो आप करोगे क्या। मतलब एक बहुत सही बात है कि कंपनी बिना एम्प्लॉय के चल सकता है, एक बंदा एक कंपनी बना सकता है लेकिन एम्प्लॉय के ये मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। आप एप्पल में कितने एम्प्लॉय आते गए हैं, अब स्टीव जॉब्स को नहीं बदला जा सकता ना, या बिल गेट्स जब इसको चला रहा था क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, जिस टाइम वो बना रहा था उस टाइम बिल गेट्स को तो नहीं हटाया जा सकता है ना। या कोई भी बंदा अपनी कंपनी बनाता है, जैसे इलॉन मस्क स्पेस एक्स बनाया तो उसको मतलब हाँ उसका रोल चेंज कर दीजिए कि भैया तुम पब्लिक स्पीकर रहो या तुम मैनेजमेंट करो, पब्लिक में नहीं आओ, ठीक है, लेकिन उसको तो नहीं हटा सकते आप 4000 इंप्लॉय जो उसके नीचे, उसमें से तो 1000 लोग आते जाते रहते हैं। तो ये समझिए कम्युनिज्म का यही खतरा है कि वो गरीब लोग को ताकत ये कह के देता है कि हम तुम्हें अमीर का पैसा ला के दे देंगे, और अमीर लोग बोलते हैं अगर हमसे पैसा ले लोगे तो या तो हम को मार दोगे, तुम खुद ही मार दोगे, या तो हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। और अगर हम देश छोड़ के गए, जो भी पैसा मिल रहा था भले 10 ही हज़ार रुपया महीना मिल रहा था वो बंद हो जाएगा और भूखे मरोगे। वेनेजुएला में ये हुआ, चाइना में थोड़ी सी बुद्धि है क्योंकि वो कम्युनिज्म से पॉलिटिक्स चलाता है लेकिन बिजनेस में वो इंटरफियर नहीं करता, इसीलिए चाइना सक्सेसफुली 60 साल तक टिका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी सीरियस और डेंजरस बात है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की लड़ाई, कैपिटलिज्म का जीतना ज़रूरी नहीं तो सबके सब भूखे मरेंगे। एटलीस्ट कैपिटलिज्म में कुछ लोग तो भूखे नहीं मरते, मतलब आपको यही सोचना है कि 50 करोड़ लोग भूखे मरें या 25 करोड़ लोग भूखे मरें। तो कोल्ड वार से बचना ज़रूरी है, और ये कोल्ड वार से बचने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेस में अगर लड़ाई शुरू हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब का डर था वो मतलब यहाँ है, और स्पेस में अगर लड़ाई हो गई तो गए। तो स्पेस डोमिनेंस के बारे में काफ़ी बात की जाती है, काफ़ी इस तरह के आपको इमेज मिलेंगे। आपको ये भी पता होगा कि चाइना का जो पहला स्पेस स्टेशन था वो क्रैश कर चुका है और दूसरा स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए एक अकेला कंट्री बना रहा है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितना बड़ा नहीं है। तो स्पेस डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी डालेंगे। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है मुझे एक ही चीज़ पता है कि नासा से भी आगे जाके ये लोग एक टेक्नोलॉजी पे मेहनत कर रहे हैं, क्वांटम इंक्रिप्शन। बेसिकली ये क्वांटम क्यूबिट्स डेटा इधर उधर करना चाहते हैं स्पेस में। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी उस सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, मतलब फिजिक्स अलाउ नहीं करता है, जैसे ही आप इंटरफियर करेंगे सिग्नल दोनों तरफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब छेड़ा नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी करके आप उसका डेटा का ना कॉपी कर सकते हैं ना उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं ना ही इंटरफियर कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरफियर कीजिए उसको पता चल जाएगा इंटरफियरेंस हो गया है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन अगर बना लेना कि तो समझिए उनकी मिलिट्री कम्युनिकेशन एकदम उस पर कोई इंटरफियरेंस नहीं आ पाएगा। तो क्या अमेरिका शांति से बैठा हुआ है घोड़ा गधा बेच के? नहीं, अमेरिका फोटोनिक्स पे काम कर रहा है, वो क्वांटम पे जा रहे हैं या फोटोन्स पे जा रहे हैं, तो देखिए आगे कौन आगे निकलता है, ये अभी पता नहीं है कि क्या होगा।
तो आइए हकीकत में आते हैं, ये सब अखबार वाले बात को तो छोड़िए, थोड़ा हकीकत में आते हैं। हकीकत में आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी देश हो उसके पास अनंत पैसा नहीं है। यूएसए बहुत पैसा लगाया था अपने पूरे बजट का, सालाना बजट का जो हमारा निकलता है हर साल, उसमें 4% नासा को दे रहा था उसका। और आप बोलोगे अभी नासा को कितना दिया जा रहा है, 1% का 1%, बेसिकली 0.1% दिया जा रहा है, 0.01, 0.4%, मतलब एक फुल परसेंट भी नासा को नहीं मिलता। आपको लगता है नासा उतना बड़ा है, तो समझ लिए वो कंट्री की इकोनॉमी कितने साइज की है, कि नासा एक फुल परसेंट भी नहीं ले रहा। 4% कोल्ड वॉर के दरमियान गया था जिस टाइम अपोलो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, तो समझिए पैसा बहुत महंगा पड़ता है स्पेस प्रोग्राम। हमारा इसरो भी एकदम मतलब चवन्नी पे चलता है। तो सब मिलाने के बाद ऐसा नहीं है कि चाइना के पास अनंत पैसा है, बहुत पैसा है सही है लेकिन अनंत नहीं है। और चांद मिशन एक सस्ता चीज नहीं, वो अच्छे अच्छे को कंगाल कर सकता है। फिर ये आप समझिए चांद मतलब धरती में तो यह है कि अगर आप परमाणु बम फोड़ते हैं तो वो जगह गया, अगल बगल हवा से पर रेडिएशन फैल जाएगा, नुकसान होगा, लेकिन बच सकते हैं। स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस में अगर जाके किसी ने भी एक क्लस्टर सिंड्रोम स्टार्ट कर दिया, मतलब आप देखते हैं खूब सारे सैटेलाइट हैं, अगर एक सैटेलाइट ऊपर में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे ऊपर माना जाता है उसको फोड़ दिया और उससे जो पीस निकलेंगे वो भी ऑर्बिटल स्पीड पे ही चलेंगे, वो धड़ नीचे सब तोड़ते चले जाएंगे, जो कि एक पिक्चर ग्रेविटी में दिखाया गया था। तो क्लस्टर सिंड्रोम जानलेवा है, मतलब एक देश अगर स्टार्ट किया तो सबके सब मरेंगे, मतलब इंडिया के सैटेलाइट भी जाएंगे, अमेरिका के सैटेलाइट भी जाएंगे, और चाइना स्टार्ट किया तो चाइना के खुद के सैटेलाइट चले जाएंगे। मतलब ये एक लास्ट रिजॉर्ट है, इसको मैड कहा जाता है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब तुम करो या हम करें हम दोनों मरेंगे, मतलब मैं करूंगा तो हम दोनों मरेंगे, तुम करोगे तो भी हम दोनों ही मरेंगे, मतलब म्यूचुअली है, मतलब कोई इसमें जीतने वाला नहीं है। तो स्पेस के बारे में ये समझिए कि मतलब परमाणु बम में तो शायद आप बच भी जाए क्योंकि आप देख सकते हैं जापान बचा हुआ है, तो स्पेस में वैसा नहीं होगा। और अगर एक बार कैसर सिंड्रोम स्टार्ट कर दिया गया, दोबारा उसको साफ करने में 100-200 साल से कम 5,000 साल तक लग सकता है। तो समझ लीजिए कि मतलब स्पेस तो धरती भी उसके सामने स्ट्रांग लगने लगता है, स्पेस इतना फ्रेजाइल होता है। और चाइना का जो एक्चुअल टारगेट है, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट एक्चुअल फोकस कर रही है, वो 2036 में है। 2030 के आसपास लॉब जी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आप ये समझिए कि अगर ये चाइना पहुंच भी गई, जैसे मान लीजिए कल चाइना आती है, न्यूज़ में आ जाता है चाइना चांद पे लैंड कर गई, कोई बड़ी बात नहीं है, चिल मारिए, अमेरिका के पास जवाब तैयार है। और मतलब कल तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 2030 में पहुंच गए, चाइना ये तो नहीं बोल सकता कि वो पहला बना, क्योंकि पहले वो तो इसी के पास है, यूएसए के पास ही है। दूसरा, अगर वो पहुंच गया जिस दिन, एक टाइकोनॉट, एस्ट्रोनॉट नहीं, टाइकोनॉट जिस दिन पैर रखा चांद पे, अगले दिन नासा का बजट डबल हो जाएगा, अगले दिन तैयारी हो जाएगी कि बेटा हम लोग को जाना है वापस, मतलब कोई ज़्यादा भूल गया है कि दादाजी यहाँ कौन है। तो अभी तीन लॉन्च सिस्टम रेडी होने पे है, जिसमें एक स्पेशल है अभी तक सबसे नज़दीक है रेडी पे, ये आने पे है ऑलमोस्ट, और ये 130 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सकता है और ज़्यादा स्पीड से ले जा सकता है। तो समझ लीजिए भारी भरकम एक ठोस चीज़ तैयार है, मतलब ये अगले साल इसका लॉन्च होने लगेगा। तो ये रेडी हो गया ऑलमोस्ट। यूएस चाइना के पास कुछ नहीं है जो इसका आधा भी कैपेसिटी देता हो, तो ठीक है वो है। दूसरा, अमेज़न अपना रॉकेट बना रहा है जिसको ब्लू ओरिजिन मतलब कहा जाता है, यह है न्यू ग्लेन रॉकेट, ये 60 टन ले जाएगा और ये रीयूजेबल है, इसका बूस्टर वापस आ जाता है। और उसके बाद स्पेस एक्स पे आता है जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, ये तो मतलब पूरा 100 टन ले जाएगा और फुल रीयूजेबल रहेगा। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका के पास तीन औजार है, तैयार है, कि मतलब जिस दिन टाइकोनॉट वहाँ लैंड किया, जिस दिन उनका पैर नीचे पहले रखा है, 5 मिनट के अंदर अमेरिका का रिस्पांस तैयार हो जाएगा। अब मतलब लिटरली वो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, पैसा आने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है इनके पास, तीन घोड़ा तो पहले से ही रेडी है। और मतलब अगर ये आ गए कि नहीं, हमको हमसे आगे तुम कैसे निकल गए, तो मतलब चाइना उतना नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि उतना ना पैसा है ना एक्सपीरियंस है, बोल रहे हैं इनका तीन तो ऑलरेडी रेडी है, मतलब इसके आधा कैपेसिटी का, मतलब 50 टन का भी लॉन्ग मार्च रॉकेट अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, ये लोग करके बैठे हुए हैं। इनका मतलब सैटर्न 5 130 टन ले जाके बैठ चुका है, मतलब हम तो कर दिए भाई, हम तो 1960 में कर दिए, मतलब तुम हो क्या। तो आप समझिए, इसलिए थोड़ा न्यूज़पेपर में थोड़ा भावनाओं में बह जाने का आदत से लोगों को थोड़ा डरावना सिचुएशन दिख रहा है, तो आप उतना डरिए मत, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए वो पहले उतर भी गए तो अमेरिका का रिस्पांस तैयार है, मतलब वो तो लिटरली, अच्छा तुम वहाँ उतरे ना, उसको वहीं घेर देंगे और उसके पूरा तरफ बेस बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इनके पास तैयार है। मतलब ये हैं, ये बना के रख लिए हैं कि भैया है, जिस दिन सिचुएशन ऐसा आ गया कि दोनों में रेस होने लगा, काम खत्म,
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चाइना वर्सेस यूएसए के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। और मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहिएगा। और अगर आपने इतने दूर तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे चैनल को मदद मिल जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी। और आप घंटी बजाइए अगर आप फ्री हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।